तो दोस्तों दीपावली में तमाम तरीके के पकवान बनते हैं, नमकीन बनते हैं। तो इसी में आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट सेव। और ये सेव हम बनाएंगे चावल के आटे और बेसन से, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे, बहुत ही बढ़िया बनेंगे। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। लेकिन दोस्तों आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल बटन भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही नहीं बहुत ही अच्छे होंगे। तो देर न करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने ये चावल का आटा लिया हुआ है, ये मैंने पिसवाया था, तो बढ़िया सा महीन आटा ले। यदि आप मिक्सी में घर में पीस रहे हो तो उसको भी बहुत महीन कर ले, महीन चलनी से छन्नी होती है उससे छान लें। और इसमें हम 1.5 कप जितना हम डालेंगे बेसन। मेजरमेंट का ध्यान रखें कि आपको इसी तरीके से बनाना है, तभी आपके सेव बढ़िया बनेंगे। अब देखिए दो चीज़ें ये मैंने डाल दी, अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, इसमें ज़्यादा नमक नहीं जाएगा। और अब इसमें हम 1/4 चम्मच जितनी कलर के लिए हल्दी पाउडर डाल देते हैं। थोड़ा सा चटपटापन लाने के लिए इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, जिससे कलर भी अच्छा आएगा, साथ में ये चटपटी भी हो जाएंगी। अब इसमें हम हींग डाल देते हैं, तो हींग को मैंने अच्छे से थोड़ा सा बारीक कर लिया, इसके बाद डाला। अब इसमें हम अजवाइन डालेंगे, तो अजवाइन मैंने थोड़ा क्रश करके डाला हुआ है, इससे इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है। और अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल डालेंगे, इसमें सरसों का ऑयल ना डालें। अच्छे से इसको मिक्स करते हैं, जिस तरीके से आप मिक्स करते हो, चाहो तो आप इसमें थोड़ा सा पिंच भर सोडा डाल सकते हो यदि आपको बहुत क्रिस्पी चाहिए, या फिर आप इसमें 1/2 चम्मच जितना पापड़ खार पीस करके डाल सकते हो। ये दोनों चीज़ें बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो देखिए मैंने इसका मुवन तरीके का कुछ इस तरीके से कर लिया। और अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका डो तैयार करना है, मुलायम डो तैयार करना है। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो देखते हैं कि इसमें कितना पानी लगेगा। वैसे बेसन पर डिपेंड करता है कि पानी ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा। हमें लगता है कि इसमें पूरा 1 कप पानी लगेगा। आटे की डो की तरह इसको हम कुछ इस तरीके से तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि ये चिकना हो गया है और आटे के डो जैसा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा देते हैं जिससे ये सूखे ना, और इसको ढक कर के हम रख देंगे 15 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, ये बाद में काम आएगा। तो इसको अलग रख देते हैं और ढक कर के रख देते हैं। तो अब हम मिलेंगे 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हो गए हैं और अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि देखिए कैसा है। तो चेक करने के लिए अभी इसको थोड़ा सा और हम डो को तैयार करेंगे, मुलायम करेंगे। तब तक इसके पहले हम क्या करते हैं कि मशीन से हम बनाएंगे और एक दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे, इसलिए प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि ये सेब मैंने कैसे बनाए हैं। अब इस जो मशीन है इसमें इस तरीके के सेब बनाने के प्लेट्स होती हैं, हम इससे बनाएंगे। तो जिस तरीके से सेमई बनती है ना, सेब जो बाज़ार से आप लाते हो ना, बस उसी तरीके से ये बनेंगे। अब मैंने इसमें ग्रीस कर लिया, ऑयल लगा दिया, तो मैंने रिफाइंड ऑयल ही इसमें लगाया है। जब भी आप बनाएं ये सेब रिफाइंड ऑयल से बनाएं तो बढ़िया से क्रिस्पी बनते हैं और फूले फूले बनते हैं। थोड़ा सा इसको और हम इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं, तो बढ़िया से ये मिक्स हो गया। आप देख सकते हो कि पूरा 1 कप पानी इसमें लग गया। तो ये मेजरमेंट के हिसाब से आप ध्यान रखें कि पूरा 1 कप पानी इसमें लग जाएगा। और मुलायम बढ़िया सा डो तैयार कर लेते हैं, बहुत कड़ा डो नहीं तैयार करना। तो बस इसमें इस मशीन में भर देते हैं, इसको अब हम इस तरीके से बंद कर देते हैं। और भी तमाम तरीके की मशीनें आती हैं, आप उससे बना सकते हो, या फिर आप जो मशीन बनाने वाली झजिया टाइप की होती है, कलछी होती है, उससे बना सकते हो। अब रिफाइंड ऑयल इधर मैंने चढ़ा दिया था तो गर्म हो गया, तो इसको चेक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो कि हमें कुछ इस तरीके से गोल गोल घुमाना है इसको, और अभी इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, क्योंकि इसमें जब बबल शांत हो जाएंगे तब हम इसको पलटेंगे। देखिए आप देख सकते हो कि मैंने इसको इसी तरीके से पड़ा रहने दिया है और अब हम इसको पलट देते हैं। तो गैस, जब भी आप बनाएं गैस का फ्लेम मीडियम रखें, हाई ना रखें। हाई रखने से क्या होगा कि ये जल जाएंगे और बढ़िया से बन नहीं पाएंगे।
तो बढ़िया से देखिए तैयार हो गया। अब दूसरा भी हम इसी तरीके से बना लेते हैं। तो हम पूरी तरीके से वीडियो आपको बताते हैं कि आप कुछ भी मिस्टेक ना करें और आपके सेब ऐसे ही बने जैसे मैंने बनाए हुए हैं। इसलिए प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है, मीडियम फ्लेम में ही इन्हें हमें पकाना है, हाई फ्लेम में बिल्कुल नहीं पकाना है। आप देख सकते हो कि ये सेब कितने बढ़िया बन रहे हैं। और इसी तरीके से आप बेसन के भी सेव बना सकते हैं। यदि उसमें पापड़ खार डाल देते हैं या थोड़ा सा सोडा डाल देते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी भी बनेंगे जब, और बहुत ही मुलायम बनेंगे। आप देख सकते हो कि इसी तरीके से मैंने ये तीसरा बैच भी डाल दिया। और जब ये देखिए अभी जब मैंने डाला है तो इसमें बबल्स से लग रहे हैं, लेकिन जब इसको हम इस तरीके से सेकेंगे तो इसके बबल्स जो है हट जाएंगे। और अब इनको हम थोड़ा सा पलट लेते हैं। ज़्यादा कलर चेंज ना करें, ज़्यादा कलर यदि आप चेंज करेंगे तो ये कड़े हो जाएंगे खाने में, ये बढ़िया नहीं लगेंगे। अब आप देख सकते हो उलट पलट करके मैंने इनको भी पका लिया और ये भी हमारे बढ़िया से तैयार हो गए। तो मैंने एक कप चावल का आटा लिया और डेढ़ कप बेसन लिया है। तो दोनों चीज़ों से यदि आप बनाएंगे तो ये बच्चों को क्रिस्पी लगेंगे, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। त्यौहार चल रहा है, त्यौहार में तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, तो ये बिल्कुल सस्ते में बनेगी, इसमें पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा और आसानी से ये बन करके तैयार हो जाएंगे। हमने अभी थोड़े से ही बनाए हैं क्योंकि हमें तमाम रेसिपी आप लोगों तक पहुंचानी है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा बन जाता है, इसलिए मैंने थोड़े से ही बनाए हैं। आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से बने हैं। यदि आप आलू की भुजिया की रेसिपी चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स जरूर करिएगा, हम आलू भुजिया की रेसिपी ज़रूर डालेंगे। और इसी तरीके से हम ये सेब बना लेते हैं। त्यौहार का सीज़न है, तमाम तरीके की रेसिपी बनाई जाती हैं, तो एक ये भी बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी बनती है। आप चाहें तो इनको हरी मिर्च के साथ, हरी मिर्च को बढ़िया से फ्राई कर लें, उनके साथ भी इनको सर्व कर सकते हो, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट अमेजिंग लगेगी। तो बातों ही बातों में मेरे देखिए सब पूरी बन करके तैयार हो गई है, लेकिन अभी हम एक तरीका और आपको बताएंगे। यदि आपके पास ये मशीन ना हो तो आप इससे भी इनको बना सकते हो। तो अब थोड़ा सा ही आटा बचा है, थोड़े से ही आटे में हमें बनाना है। तो अभी जो बाकी है उसका भी बना लेते हैं इसी तरीके से। मैंने और भी वीडियो डाले हैं, आप हमारे YouTube चैनल में जा कर के चेक कर सकते हो, आपको मालूम हो जाएगा कि ये किस तरीके से सब बनते हैं। और बनाना बिल्कुल आसान है, 10 मिनट में ही बन कर के तैयार हो जाते हैं। बस आपको क्या करना है कि सबसे पहले मसाला तैयार कर लेना है, इसका बेसन और इसका डो तैयार करके रख देना है और 15 मिनट के लिए, इसके बाद बस इनको बना लेना है। तो बढ़िया झटपट ये देखिए ये भी हमारे सब तैयार हो गए। तो मैंने पूरे तैयार कर लिए, बिल्कुल थोड़ा सा डो मैंने बचा करके रखा है जिससे कि हम आपको दूसरे तरीके से इनको बता सकें। गैस का फ्लेम मीडियम करके ही पकाएं, जब भी आप इनको बनाएं मीडियम ही रखें, हाई बिल्कुल ना रखें। हाई से क्या होगा कि ये जल जाएंगे, फिर ये बहुत कड़े हो जाएंगे, कुरकुरे हो जाएंगे, जो खाने में स्वादिष्ट नहीं लगते हैं। तो देखिए कुछ इतने हमारे बन करके तैयार हो गए। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए ये अदरक कसने वाला कद्दूकस है, तो देखिए आप इससे भी बना सकते हो। इसमें पहले ऑयल लगा लें, ऑयल लगाने के बाद बस इस तरीके से आप चला दें, तो इससे क्या होगा थोड़े छोटे छोटे सेब बनेंगे, बहुत बड़े नहीं बनेंगे। और वैसे भी जब ये सेब बन जाते हैं तो इनको हल्का सा हाथ से क्रश कर दिया जाता है जिससे कि ये थोड़ा छोटे छोटे नमकीन जैसे हो जाएं। तो आप देख सकते हो कि इसके भी सेब बहुत बढ़िया बने हैं। बस गैस का फ्लेम मीडियम करके इनको भी पका लें और झटपट बन जाएंगे। मैंने थोड़ा सा ही बनाया है, इसमें ढेर सारे भी बन सकते हैं, कितना बढ़िया बने हैं। आप तो आप इस तरीके से इन सेब को भी बना सकते हो, जल्दी बन जाएंगे, झटपट बन जाएंगे। वैसे क्या होता है जब कोई आप अलग तरीके की नमकीन बनाते हो तो उसमें डालने के लिए ज़रूरत होती है, तो मशीन से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से इनको बना सकते हो और खा सकते हो। हमारे बढ़िया से सेब देखिए बन करके तैयार हो गए, बहुत ही क्रिस्पी बने, बहुत ही अच्छे बने। अभी हम इनको तोड़ करके दिखाएँगे कि ये किस तरीके से बने हैं।
तो दोस्तों आपको यदि ये चावल और बेसन के सेब की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।